नमस्कार दोस्तों, रसोई किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं छोला। ये मेरे पास छोला है, 1 कप था। इसको मैंने भिगो दिया था पूरी रात। फूलने के बाद मैंने इसको उबाल लिया है। थोड़ा सा नमक डाल के हमने बॉईल किया है। देखिए अच्छे से पक गए हैं। 2 प्याज बारीक काट लिया मैंने, 2 टीस्पून तेल, 2 टमाटर, 3 हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का पेस्ट मैंने कद्दूकस किया है, काली मिर्च, लौंग, सौंफ, जीरा, तेज पत्ता। मसाले हम बाद में बताएंगे आपको। चलिए इसको बनाते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, गैस को हम जला देंगे। कढ़ाई को हमने गर्म कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल, ये कच्ची घानी तेल है। तेल गर्म हो गया है, जीरा हम डाल दिए हैं, सौंफ डाल देंगे, काली मिर्च, लौंग, तेज पत्ता, दालचीनी, नमक, अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, गोल्डन होने तक इसको भूनेंगे। देखिए प्याज ने थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया है। बड़े बर्तन में हम अगर बनाते हैं छोले या कोई भी चीज तो उसको चलाने में बहुत ही आसानी रहती है। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट जो मैंने कद्दूकस किया था, अदरक का पेस्ट, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब इसमें हम डाल देंगे कटे हुए टमाटर, गैस को हल्का धीमा कर देंगे। 1 पिंच हम हींग डाल देंगे, हींग से जो छोले हैं हमारे नुकसान नहीं करते। अब इसमें हम नमक डालेंगे। नमक हमने छोलों में डाला था इसीलिए अपने स्वाद अनुसार डालें, इससे टमाटर जो है बहुत जल्दी जल जाएंगे। आधा चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच छोला मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मसालों को अच्छे से भून लेंगे। हमने छोले का पानी रख दिया था, इसको डाल देंगे थोड़ा सा। छोले को हमने अच्छे से पानी से उबाल लिया है, उसी का पानी हम सब्जी में डालेंगे। देखिए मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम छोले डाल देंगे। पानी डाल देंगे, देखिए छोले हमारे बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। इसमें हमने 2 गिलास पानी डाला है, अब इतने पानी में ही पक जाएगा। थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, इसको हम 10 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। 10 मिनट हो गया है, छोले को चेक करेंगे। देखिए हमारा छोला कितना बढ़िया बना है। 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, चाट मसाला, मैंने दोनों चीज एक एक चम्मच डाला है। आप इसके जगह पे अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। छोले को हम 5 मिनट और पकाएंगे। इसका जो थोड़ा सा ये ग्रेवी है थोड़ा और जला देंगे। ढककर हमने बंद कर दिया, थोड़ी देर बाद हम खोलेंगे। छोले को हम खोलेंगे, छोले हमारे कितने बढ़िया दिख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया पक चुके हैं। ग्रेवी भी बढ़िया गाढ़ी हो गई है। देखिए छोले
छोले हमारे भटूरे के साथ खाने के लिए, पूड़ी के साथ खाने के लिए, चावल के साथ खाने के लिए रेडी हो चुके हैं। चलिए इसको हम परोस लेते हैं। छोले को हमने परोस लिया है, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। थोड़ी सी हरी मिर्च जो हमने काट कर रखा था इसमें से ऊपर सजा देंगे। एक चम्मच देसी घी डाल देंगे। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।